लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। निशुल्क रोग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन अभनपुर के गोबरा नवापारा नगर में नगर के स्वर्गीय किशोर चंद्र गोलछा की स्मृति में नगर के जैनम परिवार द्वारा निशुल्क शिशु रोग स्वास्थ्य परीक्षण व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जो नगर के TBS हायर सेकेंडरी स्कूल नवापारा नगर में किया गया है, जहां रायपुर के बाल गोपाल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक भट्टर अपनी 11 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के सदस्यों के साथ अपनी निशुल्क सेवाएं दिए। नगर के जैनम परिवार के सदस्यों ने बताया कि विगत 40 वर्षों से निर्धन एवं असहाय लोगों के लिए प्रति वर्ष इस तरह का निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता आ रहा है, साथ ही समाज से जुड़े लोगों द्वारा इस तरह के और निशुल्क आयोजन कर मानव सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इस शिविर में 380 शिशुओं का परीक्षण किया गया, साथ ही उपचार के लिए रायपुर के बाल गोपाल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में भी जांच किए गए बच्चों का उपचार किया जाएगा। नगर के जैनम समाज परिवार द्वारा 80 लोगों का डायलिसिस भी इस संगठन द्वारा किया जा चुका है, साथ ही इस संगठन द्वारा आर्थिक रूप से असहाय लोगों के लिए सदा तत्पर रहे हैं, जो नगर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है मानव समाज में। क्लिपर 28 के लिए अभनपुर से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ये लगभग 40 वर्षों पहले से दे रहे हैं। पहले एक पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था, डॉक्टर धर्मचंद जी गोलछा करके थे, उनके द्वारा जैन नायक मंडल के तरफ कई गांव-गांव में भी कैंप लगाते थे वो। उसके बाद यहाँ भी हर महीने उनके हॉस्पिटल में ड्रॉप पिलाते थे। उसके बाद भी कई कैंप किए, यहाँ सर्जिकल ऑपरेशन कैंप हुआ था महिला मंडल के द्वारा, उसमें भी ये संस्था ने एक महीना तक उनको सहयोग किया था, उसमें काफ़ी ऑपरेशन हुए थे उस समय। अभी हम लोग भी जैसे कई PIO चलाते हैं, जैसे ये अपना स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं, कईयों को जैसे स्वास्थ्य आर्थिक सहयोग चाहिए रहता है 2-4-5 हज़ार का, वो सहयोग हम लोग करते हैं। कई बच्चों को जैसे पढ़ाना है, पढ़ाने का भी काम हम लोग करते हैं। ट्राइसिकल अगर भी पहले बांटे गया है। अभी अभी आज जो सुविधा बताइए। आज तो बच्चों का डॉक्टरों का बच्चों के डॉक्टरों को बुलाया गया, अशोक भट्टर जी को, उनका पूरा टीम आया हुआ है, 11 डॉक्टरों की टीम है उनके साथ। ये सब निशुल्क उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। और ये हमारे पुराने मेंबर स्वर्गीय श्री किशोर चंद जी गोलछा की स्मृति में किया जा रहा है, गोलछा परिवार के सहयोग से। मेरा नाम राजेंद्र कुमार पारा, मैं लगभग इस संस्था से 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस शिविर में आने वाले जो भी बच्चों का यहाँ पर जाँच होता है, अगर किसी के जाँच में अगर बहुत ज़्यादा बीमारी या कुछ भी पाई जाती है, तो उनके लिए अगर वो सक्षम नहीं है तो इलाज के लिए संस्था द्वारा सहयोग किया जाता है। इसके लिए अभी कितने लोगों का पंजीयन हो चुका है? 350 लोगों का पंजीयन यहाँ पर हुआ है अभी। आपका नाम? मेरा नाम अशोक गोलछा। देखिए, जैसा कि हमारे भारत में या हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है, और चिकित्सक को आज पूरे दुनिया में भगवान, दूसरा भगवान मानते हैं, और इस तरह से निःशुल्क जो ये सेवाएं दी जाती है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि आज के ज़माने में, आज भी इतने सालों में भारत में सरकारी अस्पताल में निःशुल्क सेवा में लोगों का विश्वास आज भी नहीं जमा। लोग आज भी इस तरह के शिविर की तलाश करते हैं और ढूंढते हैं कहाँ इस तरह का आयोजन हो। इसमें आयोजन में बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि बहुत सारे की एक साथ पूरे डॉक्टर मिल जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप अलग उनके अस्पताल में जाओगे तो आपको अलग अलग मिलना पड़ेगा। सबका चिकित्सा, सबके जो रोग परीक्षण एक साथ हो जाता है, ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और दूसरी बात क्या है कि परिचय बढ़ने से, कल उनको कोई तकलीफ होने से हम उनको वहाँ आगे भेज सकते हैं। और चूँकि हमारे नवापारा में सकल जैन समाज की संस्थाएँ बहुत सक्रिय है, आए दिन हम लोगों इस तरह के कार्य संपन्न करते हैं। हमारी एक जो है श्वेतंबर जैन समाज, दिगंबर जैन समाज के संयुक्त में एक महावीर रिलीफ ट्रस्ट भी है, जो आज भी लोगों को बहुत ही कम लागत में निःशुल्क डायलिसिस की, एक तरह से बहुत ही नॉमिनल शुल्क में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराता है MMI अस्पताल में। जिन किसी को भी ऐसी तकलीफ हो, वो हमसे संपर्क करें। अशोक गोलछा जी इसके हमारे यहाँ पर प्रभारी हैं, आप आइए, सबका स्वागत है। और इस तरह के आयोजन में आप लोगों का भी सहयोग हम लोग के लिए बड़ी सफलीभूत होता है, और इसका प्रचार प्रसार अच्छे से होना चाहिए। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र गदिया।
ये ऐसे आयोजन अत्यंत समाज में आवश्यक है, क्योंकि इसमें उन लोगों वो लोग भी लाभान्वित होते हैं जो किसी कारण से रायपुर शहर नहीं आ पाते, या किसी कारण से आते हैं तो भी हमसे नहीं उनकी मुलाकात होती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि गोलछा जी जैनम परिवार ने एवं गोलछा जी परिवार ने श्री किशोर सिंह जी गोलछा की स्मृति में इतना अच्छा आयोजन किया है, और इसमें बाल गोपाल जो अस्पताल है उसके सभी लोग आए हुए हैं, मतलब बच्चों के विशेषज्ञ के अलावा इसमें नवजात शिशु वाले भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पेशल एजुकेटर भी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी आए हैं, बच्चों के दांतों के विशेषज्ञ MDS जो होते हैं डॉक्टर अभिनव वो भी आए हैं, ऐसे पूरी की पूरी टीम आई है। तो इससे वो बच्चे जो किसी कारण से शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी आज एक ही जगह उनके ही शहर या शहर के पास ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो इसके लिए जैनम परिवार एवं श्री गोलछा जी परिवार जो है इन लोग बधाई के पात्र हैं। मैं डॉक्टर अशोक भट्टर बाल गोपाल अस्पताल से। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।